हेलो एवरीबॉडी, हम सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया है दोस्तों। हरियाणा पुलिस के फार्म ऑनलाइन भरने स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल सच है, मैंने अब ऑनलाइन फार्म भर के पूरा चेक करके फिर देखा है, फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको सुबह बताया था कि HSC थोड़ा लेट करता है, लेकिन जो पुलिस के फार्म है वे ऑनलाइन भरने स्टार्ट हो जाएंगे, कैंसिल नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन फार्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप हरियाणा पुलिस का यदि फार्म भरने वाले हैं तो आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए, अदरवाइज आप बाद में पछताओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक आपसे हो जाएगी। तो आप ये 2-3 मिनट की वीडियो एक बार ज़रूर देख लें फार्म भरने से पहले। और साइट आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, HS की साइट पर डायरेक्ट लिंक नहीं मिलेगा, लिंक मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कैसे आप उस लिंक तक पहुँचोगे, क्योंकि HSC ने अभी डायरेक्ट लिंक जनरेट नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फार्म भरते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल अपने खुद की डालनी है, जिस पर आपको विश्वास हो, आपको पासवर्ड भी पता हो उस चीज का, ईमेल आईडी का, और मोबाइल नंबर आपका खुद का हो, पर्सनल नंबर हो, और आप उसे जैसे गुम हो जाएं तो भी उसको नंबर को दोबारा निकलवाने की हिम्मत रखते हो, ऐसा नंबर आप इस फार्म में डालिएगा, अदरवाइज आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, जब आप फर्स्ट पेज पर अपना डिटेल डालोगे छोटी मोटी और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, पहले क्या होता था HSC का फॉर्म भरते समय उसी टाइम पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल पे आ जाता था और पासवर्ड मोबाइल पे आ जाता था, लेकिन इस बार मैंने अभी भरा था लेकिन मेरा अभी तक नहीं आया है मोबाइल पे, इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे उसी टाइम एक कागज पर नोट जरूर कर लें। ठीक है, उसके बाद आपके HSC के हर फार्म में आपका पूछा जाता है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो हम वहाँ पे कई बार उसको नो मार्क लिख देते हैं, तो उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आपको अपना कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क जरूर डालना है, ध्यान रखिए इस बात को। उसके बाद कैटेगरी डिटेल, तो कई बार मैंने पीछे वीडियो में कमेंट आते थे कि मैंने जर्नल सेलेक्ट कर दिया, BCA था मेरा, BCB सेलेक्ट कर दिया, तो आप कैटेगरी डिटेल अच्छे से ध्यान से डालें ताकि कोई भी एक्सक्यूज ना हो इस बारे में। ठीक है, उसके बाद फोटो और साइन, फोटो और साइन आपको बेस्ट क्वालिटी के, जितने बेस्ट क्वालिटी का दुकान वाला शॉप वाला डाल सकता है बेस्ट क्वालिटी का डलवाना है, तब तक आप डलवाते रहिए उससे अच्छे से अच्छा फोटो, जब तक आप खुद सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है, और फोटो पे कुछ कंडीशन दी हुई है कि नाम और हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए, डेट ऑफ फोटो टेकन लिखी होनी चाहिए, तो आप वो एक बार पूरा नोटिस पढ़ के आप ध्यान में करके फिर आपको फोटो और साइन अपलोड करने हैं। उसके बाद मेल और फीमेल के बारे में भी कई क्वेश्चन आ रहे थे, मेल और फीमेल आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपका ये ऑप्शन चेंज नहीं होगा, यदि आपने गलत सिलेक्ट कर दिया तो आपका गलत ही रहेगा। दूसरा, आप गलत होने के बाद बार बार फॉर्म अप्लाई करने नहीं कर सकते, यदि बार बार आप अप्लाई करोगे रिपीटली तो आपका आधार कार्ड इसमें इनवैलिड वैलिड होता है, तो आधार कार्ड वेरीफाई होता है हर बार, तो आप ध्यान रखिए दोबारा बार बार फार्म नहीं भरे जाएंगे आपके। आप जितना भी फार्म भरना है आप बिल्कुल अच्छी तरह कन्फर्म करके फार्म भरें, किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़ें, यानी कि दुकानदार के को कागज देके मत छोड़ें कि आप भर दो मेरा फार्म, मेरे साइड में बैठा हूँ, ये दुकानदार की गलती नहीं होगी, ये गलती आपकी होगी यदि कोई फार्म गलत हो जाता है तो। ठीक है, और आप रिस्क क्यों ले रहे हो किसी चीज़ का, जब आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके ड्रीम का सवाल है, आप खुद कंप्यूटर के पास बैठ के, दुकान वाले के पास बैठ के अपना फार्म भर लीजिए और लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में कोई भी साइट है वो स्लो हो जाती है और फार्म भरने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आप अभी जाके फार्म भरें हरियाणा पुलिस का। और मैं उम्मीद करता हूँ आप, और दूसरी बात, आप एक या दो या तीन पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हो, आप IRB की अप्लाई कर सकते हो, SI की भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, मैंने वो भी एक्सपीरियंस अभी करके देखा तब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपको बताने के लिए, आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करके बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट HSC की साइट पर जाओगे आपको लिंक नहीं मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी WhatsApp ग्रुप में, और आपका दिन शुभ रहे।